अप्रोक्सीमेटली पौने दो साल तक ऑस्ट्रेलिया ने एक भी सिंगल इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्ल्ड के किसी भी कोने तो ट्रैवल नहीं कर दिता। हुण पौने दो साल तक इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल नहीं होया, उहदे इफेक्ट्स उहनां दी कंट्री दे उत्ते की आई कि अज दी डेट दे विच मैन पावर की शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है, बंदे हैगे नहीं काम करन दे। अद्धियां क चीज़ां, अद्धे क रेस्टोरेंट और अद्धे क डिपार्टमेंट स्टोर हाफ डेज लई खुलन लग गए कि भई हफ्ते च दो दिन खोलांगे या तीन दिन खोलांगे। अद्धे क कैफे जिहड़े इदां दे हो गए कि कहिंदे यार शाम नूं ही खोलांगे क्योंकि दिन वेले साडे कोल बंदे नहीं हैगे काम करन। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अज की डेट के ऑस्ट्रेलीयन गवर्नमेंट वालों, ऑस्ट्रेलीयन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन वालों रोज़ हर दूसरे दिन एक इदा की अनाउंसमेंट आ रही है जितों पता लगता है कि एक स्टूडेंट की की वैल्यू है किसी भी कंट्री नूं, किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट की अज की डेट किन्नी क डिमांड या किन्नी क रिक्वायरमेंट है। मार्च 2020 तो जदों तो कोविड दीयां रेगुलेशनस होईयां, जदों तो इन्हां ने फ्लाइट्स बंद कीतियां, अप्रोक्सीमेटली पौने दो साल तक ऑस्ट्रेलिया ने एक भी सिंगल इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्ल्ड के किसी भी कोने तो ट्रैवल नहीं करन दिता। हुण पौने दो साल तक इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल नहीं होया, उहदे इफेक्ट्स उहनां दी कंट्री दे उत्ते की आई कि अज दी डेट दे विच मैन पावर की शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है, बंदे हैगे नहीं काम करन दे। मेरा ऑफिस ऑस्ट्रेलिया च मेरा ब्रदर है, वह कहिंदा कि अद्धियां क चीज़ां, अद्धे क रेस्टोरेंट्स और अद्धे क डिपार्टमेंट स्टोर हाफ डेज लई खुलन लग गए कि बई हफ्ते च दो दिन खोलांगे या तीन दिन खोलांगे। अद्धे क कैफे जिहड़े इदां दे हो गए कि वह कहिंदे यार शाम नूं ही खोलांगे क्योंकि दिन वेले साडे कोल बंदे नहीं हैगे काम करन लई। ये सारियां चीज़ां सामने रखते हुए रीसेंट अनाउंसमेंट स्कॉट मॉरिसन वालों की हुई कि कोई भी स्टूडेंट जिहड़ा ऑस्ट्रेलिया अज दी डेट दे विच स्टूडेंट वीज़े ते है, जिहदी कोल रेगुलेशन पहलां इह सीगी कि तुसीं हफ्ते दे विच 20 घंटे काम कर सकते हो, पार्ट टाइम वर्क जिहड़ा उहनां दा सिस्टम सीगा 15 दिन दा 40 घंटे वाला, उहनूं चेंज करता सीधा सीधा एक स्टूडेंट नूं कहता या स्टूडेंट दे डिपेंडेंट नूं भी नाल कहता कि अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स है तुहाडे कोल, तुसीं जिन्नी देर पढ़ाई करना चाहते हो या जिन्नी देर तुहाडियां क्लासेस ने उन्नी देर अपनी पढ़ाई करो, उस तो अलावा जिन्नी देर तुहाडे कोल कपैसिटी है, जिन्नी क्षमता, जिन्ने तुहाडे च एनर्जी है या बॉडी च जान है उन्नी देर तुसीं काम कर सकते हो। सो पंजाबी ओ कौम जिहड़ी मेहनत करन दे विच कदी भी पिछे नहीं हटी, स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दो दो तीन तीन जॉब्स करनिया शुरू करतियां कि लै भाई लीगल काम टैक्स कट के खाते दे विच पैसे, इस तो वधिया होर की हो सकदा। जदों इहदे नाल भी कितें गल बनदी दिसी नहीं या इनफैक्ट चलो रेगुलेशन बहुत नवीं सीगी, नालों नाल स्कॉट मॉरिसन की दूसरी अनाउंसमेंट की आई कि कोई भी स्टूडेंट जिहड़ा स्टूडेंट वीज़ा लैके अपनी कंट्री दे विच बैठा और ऑनलाइन एजुकेशन लै रहा ट्रैवल नहीं किया अजे तक, जेकर तुसी ट्रैवल करते हो तो ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी एम्बेसी फीस का रिबेट पा सकते हो। इंडियन रुपीज़ दे विच गल कर ला, चंगे खासे 35-40 हज़ार रुपया बनता ताडा, जिहड़ा तुसी उत्थे जाके गवर्नमेंट नूं कह सकते हो कि मैं आ गया ताडी कंट्री च पहुँच गया। कित्थे एक कंट्री पहला कहिंदी सी आओ ना अपने घर बैठो कोविड फैलिया, उसे कंट्री ने अज दी डेट दे विच कहना की शुरू करता आज अपने पैसे जिहड़े खर्चे आ वीज़ा लैण लई ओह भी वापस लै लो, काम भी जिन्ना जी करदा ताडा करो। बट माड़ी गल की है कि इस चीज़ नूं तुहानूं ठगण लई या तुहाडे तों पैसे लैण लई वरत्या जा रहा। मैं रीसेंटली देख रहा सीगा किसी भाई साहब ने वीडियो की, कहिंदे जी एम्बेसी फीस माफ़ हो गई। कोई एम्बेसी फीस किसी तरह की तुहाडी माफ़ नहीं हुई, एम्बेसी फीस तुहानूं खर्चनी पैणी है। नैक्सट 8 वीक्स लई इह प्रोविजन उहने दित्ती है कि उत्थे जाके तुसीं उहनूं क्लेम कर सकदे हो, पैसे लै सकदे हो गवर्नमेंट तों वापस कि आ रही जी मेरी रसीद जिहड़ी मैं एम्बेसी फीस तुहानूं दित्ती सी, मैं तुहाडे कहे अनुसार आ गया वां, हुण मेरे पैसे मैनूं मोड़ दो। किते भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हर बंदे नूं या हर माड़े तो माड़े प्रोफाइल नूं वीज़ा दांगे। हंड्रड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजल्स दोबारा आनगियां जे सही तरीके दे नाल और सही प्रोफाइल दे नाल तुसीं ऑस्ट्रेलिया की जिहड़ी स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन ना लगाई। बड़ा सौखा है कि कैनेडा की फाइल लाती जी, कैनेडा के लगता कि एक LOA प्राइवेट कॉलेज तो लिती जाती है, एक GIC जिहड़ा तुहाडा ही अपना $10,200 भेज के तुसीं लैंदे हो, दो कागज़ लैके तुहाडे अकैडमिक्स डॉक्यूमेंट लैके एम्बेसी च फाइल चल जाती है। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ दे विच वीज़ा लगना ना कि वैट दे प्राइवेट कॉलेजों दे विच, ना कि डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमा इन कमर्शियल कुकरी, डिप्लोमा इन हेयर ड्रैसिंग, वो वीज़े नहीं जे लगने। तुसी बैचलर्स करन चले हो, तुसी मास्टर्स करन चले हो, तां वीज़ा लगना और वो बैचलर्स और मास्टर्स
ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 1, 2, or 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੈਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 2 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦਊਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ GTE ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਵਰਤੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪਲੱਸ 2 ਆਲਰੇਡੀ 2020 ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ 2019 ਜਾਂ 2018 ਪਾਸਆਊਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ SOP ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 22 ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਗਰ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਕਨੇਡਾ ਚੱਲਦਾ ਕਨੇਡਾ ਕਰ ਲਓ, UK ਚੱਲਦਾ UK ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ, 5.5 ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੀਨੀਅੰਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਜਾਓਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।